छोटा सा मंदिर था ना, इसमें जब दर्शन करते तो शेर भी माँ के दर्शन करने आता था साथ में। अच्छा, तो माँ के शीश ने बाके शेर चबूतरा पे बैठ जाता था। फिर हम लोग जैसे दाना गिरते थे ना, किसी से हमला नहीं करता, ना जानवर पे ना आदमी पे, सिर्फ धोख मारे उसे सीधा बनी के अंदर चला जाता था। बनी के अंदर जाके माँ की आता, माँ की रक्षा करता और फिर अपना गांव की रक्षा करता, मतलब किसी को कुछ हानि नहीं पहुंचाई, अभी तक भी हानि नहीं पहुंचाई। हाँ, एक बासपुर का बनिया था। अच्छा, उसके माँ सपने माई जात को, उसने कहा कि बेटा एक 5 किलो की भेड़ी सिर पे रखना, मैं तेरे को बताती हूँ, और तू सीधा चलना घामरोज के पहाड़ तक, जहाँ भी भेड़ी के 5 टुकड़े हो जाते हैं ना, तू वहीं पर खोद के खुदाई करवाना और देखना, मैं वहीं पर प्रकट हो जाऊंगी। तो बनिया सीधा चलो, उस पर और भी आदमी चल रहे थे उसके पीछे पीछे, पब लगा रही थी, उसने यहाँ आके 5 टुकड़े हो गए। अच्छा, इस मंदिर में, इस मंदिर में मंदिर नहीं था पहले। अच्छा, यहाँ पर हाँ खाली ऐसे ही था। तो फिर उसकी खुदाई करी, पहले माँ का रथ से निकला। अच्छा, यहाँ पर रथ, हाँ, फिर माँ अंदर से फिर दोबारा खुदाई की, मालिक ऋषि माँ निकली, प्रकट हो गई माँ भी, इतनी बड़ी मूर्ति है माँ की, वही वही प्रधार रखी। अच्छा अच्छा, जो ये मूर्ति, वही मूर्ति है, इंग्लास वाली माँ बोलती थी। अच्छा, हमारी कुलमा था इंग्लास वाली, इसलिए कुलमा था हमारी। अच्छा, ये गांव की, गांव की हमारी कुलदेवी है ये हमारी कुलदेवी। जब ये गांव ना, इसका नाम हुआ पहले हमारे गांव का घनश्याम, घनश्याम गांव, हाँ घनश्याम, हम नहीं था घनश्याम। अच्छा, तो इसमें घनश्याम युद्ध हुआ था, तो इसमें हिंदू कम तो मुसलमान, तो मुसलमानों ने पूरा गांव घेर दिया एकदम, उन्होंने वो इतना आतंक छा दिया। फिर माँ ने क्या, माँ ने ऐसा दर्शन दिए कि पत्थर पत्थर पर माँ तलवार लेकर खड़ी हुई, पूरे पहाड़ में खत्ती दिखाई दी माता रानी, मुसलमान जैसे आया पहाड़, इतनी तेज भगे फिर के माँ आगे तलवार लेकर दिखाई दी। ये माँ की सच्ची कहानी है, जो तुम मन में चढ़ा रहे हो चढ़ा दो, वो मां द्वारा पूरा पूरा सम्राट, जो तुम बोल रहे हो एक मां के नाम ना करो अंदर का, मां वो पूरा करती है, पूरा करती है। नीचे से प्रकट हुई मां आए। अच्छा, साक्षात दर्शन दिए, साक्षात सब दूर दूर से, बहुत दूर दूर से भी आ रहे हैं, हर कहां का दूर दूर के लोग आते हैं, मेला लगा है छठे महीने, पटन पर जाते हैं मां, सबकी माँ का मनोकामना पूरी करें तो सब आए। जो तुम बोलते देखो एक बार कि माँ ये काम को करना, उसका पूरा सिद्ध कर, इतनी शक्ति है माता में। हमारी माँ की कहानी है, कहानी 2 बार मेले लगते हैं और 2 बार ही मैया रानी का जागरण होता है, एक तो कार्तिक के महीना में, एक चैत के महीने में। अच्छा, नवरात्रों के दिनों में 2 बार नवरात्र आते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, 6 महीने में तो 2 बार माँ का मेला, नवरात्रों के दिनों में को माता का जागरण होता है, 7वें को मेला लगता है, 8वें को भी मेला लगता है। एक बार आई भी तो थी माता रानी, एक लड़की। आज हम आपको लेकर आए हैं घामरोज माता मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर माता जी का जो आगमन हुआ वो साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई। कैसे प्रकट हुई इसके बारे में भी एक मान्यता है, जो कि यहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली है, और उनके बारे में हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पर शेरावाली माता कैसे प्रकट हुई और ये मंदिर कब बना और इस गांव का नाम घामरोज कैसे पड़ा। एक मान्यता ये भी है, इस गांव में
कभी कोई सांप के काटे जाने पर मरता नहीं है। अगर कोई सांप काट भी लेता है तो वह व्यक्ति मरता नहीं है। जो भी श्रद्धालु भक्तगण माता के मंदिर जाकर जो भी अपनी मुरादें मांगते हैं, उनकी इच्छा और मनोकामना माता जरूर पूरी करती है। यहाँ पर हर नवरात्रों में मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि पंचमी के बाद शुरू होकर नवमी तक चलता है। यहाँ पर दूर दूर से भक्तगण माता के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते रहते हैं। इस यात्रा में हम आपको माता के दर्शन कराएंगे और जो कुछ भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है उसको आपको ज़रूर बताएंगे। यात्रा में हम निकल पड़े हैं माता के मंदिर की तरफ धीरे धीरे चलते हुए। अभी सामने जो गेट दिखाई दे रहा है वो माता के मंदिर का मेन गेट है, या उसको कह लीजिए दरवाज़ा। अभी सुबह का वक्त है इसलिए चहलकदमी लोगों के आने जाने की बहुत कम है। जैसे जैसे शाम का वक्त आएगा यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ जाएगी और यहाँ पर दर्शन करने वालों की भीड़ लग जाएगी। शाम को आरती में सभी लोग गांव के और आसपास के लोग सम्मिलित होते हैं और माता की आरती में उनका गुणगान करते हैं। अब हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये वृक्ष जो कि काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है, बताते हैं कि ये कम से कम 300-400 साल पुराना तो है, जो कि इसकी जटाएं भी ज़मीन तक आ पहुंची हैं। बहुत पुराना पेड़ कितने साल पुराना हो गए? कितने साल पुराना है? 300 साल। अच्छा, तीन सौ साल तो भी ऊपर का पुराना है। तीन सौ साल पुराना पंडित बता रहे थे तो हमसे पूछ लेना तुम यहाँ पे क्यों आए हो, हम बताता नहीं मुझे तो ये ना पता। साल पुराना है, 300 साल हो गए इन्हें। हाँ जी, पंडित ने बताई थी ये बात। अच्छा, इस मंदिर में लोग क्यों आते हैं जी? माता के दर्शन के लिए। अच्छा, ये दर्शन करने आते हैं तो यहाँ से कुछ लाभ या फायदा भी होता है किसी को? हाँ, होता है जी, मनोकामना पूरी होती है। जैसे यहाँ पर कोई मेला वगैरह या कुछ कभी लगता है? हाँ, मेला लगता है जी, छठे महीने जैसे नवरात्रों के दिनों में। हाँ, आज भाई बता दिए। साल में दो बार फसल कटती है। अच्छा जी, आप यहाँ गांव के हैं? हाँ, मैं इसी गांव का रहने वाला। तो ये जो मंदिर है ये कितने साल पुराना है अभी? ये तो मैं तो इसको ऐसा ही देख रहा हूँ, लोग ईंट लगा देते हैं, कोई झाड़ू लगा देता है, कोई वो, ये तो इतना कोई वो तालाब बना देता है फिर ऐसा ही बन जाता है, मैं तो ऐसा ही देख रहा हूँ इसको यहाँ। हाँ भैया जी, आप किस लिए आए हैं यहाँ मंदिर में? दर्शन करने के लिए आए हैं। आप भी इसी गांव में रहते हैं क्या? हाँ, इसी गांव का हूँ मैं। ये माता रानी बाद में तो लिखी। अच्छा जी, आप किस लिए आए हैं? जी, हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। कहाँ से? हम नांगलोई से आए हैं, हमारे यहाँ पे नंद रहती हैं,
अच्छा, इतनी दूर से? हाँ जी, हम इतनी दूर से आए हैं, अपनी नंद के यहाँ भी मिल लेंगे और यहाँ माता के दर्शन भी कर जाएंगे। अच्छा जी, आइए, आप कहाँ से हो जी? भाई हम लोग हैं जी, हेमा मालिनी देव की बात सुना। अच्छा, ये आपकी नंद है? हाँ जी। आप यहाँ बताएंगे? जो मेरी भाभी है छोटी। अच्छा अच्छा। मैं इससे बड़ी हूँ, वे मेरी भाभी है। अच्छा जी, वो मेरा लड़का है। अच्छा, ये आपका लड़का है। और कैसा लग रहा है यहाँ आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत दिल लगता है। माता रानी बहुत मेहर करती है, माता रानी बहुत पुरानी है, माता रानी दर्शन करती है और कराती है। माता रानी का जो भी मांगो माता रानी से सब पूरा करती है। ये मंदिर का परिसर है जो कि देखो चारों तरफ बड़े वृक्ष जो कि काफ़ी पुराने हैं। वो सामने पहाड़ पर जहाँ से माता प्रकट हुई और यहाँ पर मंदिर बनाया गया, इन पहाड़ों से पहाड़ की चोटी पर माता बिल्कुल सामने, इसी कारण वो यहाँ के यहाँ पर ये मंदिर बना। इस मंदिर को आइए, उनके बुजुर्गों हम आपको आगे और बनाया माता के दर्शन कराएंगे। यहाँ से ये सामने गेट से होकर रास्ता अंदर मंदिर की तरफ को जा रहा है। धीरे धीरे चलते हुए अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर पक्षियों के लिए दाना डाला जाता है, जो भी श्रद्धालु अपने साथ लेकर आते हैं वो यहाँ पर। अब आगे मंदिर का जो मुख्य द्वार है उसकी तरफ हम पहुँचने वाले हैं। अब हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर। अभी हमें समय थोड़ा ज़्यादा हो चुका है, इसलिए पंडित जी चले गए हैं और द्वार बंद है। एक छोटा सा दरवाज़ा जो माता के दर्शन के लिए खुला हुआ होता है, उसी में से हम माता के दर्शन अब करेंगे। जबकि शाम को मंदिर खुलने के बाद हम फिर दोबारा माता के दर्शन करने ज़रूर आएंगे। और देखिए कितना सुंदर माँ का दिव्य स्वरूप जो कि हम
ये कदम का पेड़ है 98 साल पुराना। ये हाँ जिस पे भगवान कृष्ण झूला झूला करते थे। किस पे? इस पेड़ पर सारे डिजाइन बन रहे थे पहले। कृष्ण जी का मुंह देखो, अच्छा सारे डिजाइन बन रहे थे इन पे। तिलक लगा रखा है, देखिए आंख है ये और देखिए तिलक लगा रखा है। पहले इसमें सच का शेर आता था, हम पूजा करने आते थे ना, अच्छा सच का शेर आता था इस मंदिर में। सचमुच में शेर आते थे, सच का आता था। ये आके ये छोटा छोटा सा माँ में जो तुम्हारी सोने चांदी की मिलासू वो चढ़ाना, तो माँ मेरे लड़की को बच्चा हो जाएगा उसी टाइम में तेरे को सोने या चांद जो मेरी गुंजाश हो वो चढ़ा के जाऊंगी। माँ को बोलो ना, ना तमन्ना पूरी करे माँ। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है हनुमान जी का, यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं। वो छोटी वाला ये रखोने पे यहीं से निकले थे माता। हाँ ऐसे खेल चले वो मन लगा यहाँ पे है, देखते को तो पता ना हम आ गए यहाँ पे, उन्हें बता के नहीं आए पहाड़ है बतेरे। हम उन्हें बता के नहीं आए कौन सी माता है। माता को प्रसाद चढ़ाते हैं तो भैरव को जरूर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अच्छा ये भैरव जी हैं। हाँ नहीं तो प्रसाद अधूरा रह जा। ये है एक छोटा सा मंदिर भैरव बाबा का। माता के पिता अधूरी है। इसके आगे है एक छोटा मंदिर साईं बाबा, साईं बाबा जी का ये मंदिर है। अब फाइनली हमने मंदिर के दर्शन भी कर लिए हैं और अब बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं। अभी देखो ये चारों तरफ कितना सुंदर वातावरण है। अब हम शाम को भी आपको मंदिर के दर्शन एक बार दोबारा कराएंगे। जब मंदिर इधर तालाब खुल जाता है शाम को तो उस टाइम आरती भी होती है और श्रद्धालुओं की भीड़ हो जाती है और बहुत अद्भुत नज़ारा होता है आरती देखने का। आपको चारों तरफ दिखाई दे रहा होगा कितना सुंदर। यहाँ पर बड़ के वृक्ष, पीपल के वृक्ष जो कि बहुत पुराने पुराने हैं, सबसे पुराना पेड़ 360 साल पुराना बरगद का पेड़ है। अब ये देखो वो भी फाइनली आ चुके हैं मंदिर के दर्शन करके। अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे अपने घर की तरफ और शाम को दोबारा हम फिर मंदिर में आएंगे और साथ में एक आश्रम भी है जिसमें उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि इस मंदिर में और मंदिर के इतिहास के बारे में। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय बाय।